किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप। धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। लोन की राशि चुकता नहीं करने पर कतरास एसबीआई शाखा के अधिकारी पहुंचे कांको के बरवाड़ी। बागमारा के कांको बरवाड़ी मौजा में 6.5 डिसमल जमीन पर कतरास एसबीआई शाखा से 10 लाख होम लोन लेने के बाद कर्ज चुकता नहीं करने पर बैंक के चीफ मैनेजर उमाशंकर वर्मा ने ठाकुर मंडल और उनके परिजनों से बात की। मौके पर बागमारा प्रखंड के सीआई एवं आमीन पहुंचे थे। सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस बल को भी मंगाया गया था। बैंक अपने कब्जे में जमीन को लेने गया था, लेकिन पेपर के आधार पर जमीन का मालिक 7 लोग निकल गया, जिसके बाद बैंक चीफ मैनेजर ने चेतावनी दी कि आपस में परिवार के लोग समझौता कर कर्ज के लिए रकम को वापस करें, अन्यथा 420 का केस दर्ज कराया जाएगा। बैंक के सीएम ने कहा कि 10 लाख लोन लिया गया था, जो ब्याज के साथ 16 लाख 50 हजार हो गया, जिसे चुकता नहीं किया जा रहा है। मामला ऐसा है कि इन्होंने लोन लिया हुआ था, ये और इनका सुपुत्र जो है। कौन लोन था इसका? होम लोन लिया हुआ था। बाबूलाल मंडल और ठाकुर मंडल। कितना लोन लिया हुआ था? ये लोन लिया हुआ था आपका अभी तो उसका वैल्यू जो ब्याज व्याज समेत होके एन पे होने के बाद ब्याज समेत होकर 16.5 लाख का अभी उन्होंने जो जमीन जो दिखलाया हुआ था उस पर उन्होंने लोन लिया हुआ था। वो लोन जो है उन्होंने फॉर्जरी करके दूसरे का जमीन था उस पर दिखा कर लोन लिया। इसका जो हिस्सा जो जमीन था उसका पेपर दिया था और उस जमीन को जो है ना इन लोग भाई लोग जो है ना उस पर घर बना रखा हुआ। मेन इसका यही है कि जो लोन जो है ना ये जमा कर नहीं रहा और फॉर्जरी वाला जो काम उन्होंने ये चीज़ किया हुआ है। इसी चलते हम लोग बल लेके आए हुए थे कि इसका जो इनके हिस्से का जो जमीन है जिस पर इसने लोन ले रखा हुआ था उसको जो होता है लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू उसको लिया था। बैंक इस पर क्या करेगी अब? जैसे कि बैंक अब जैसे कि इन्होंने फॉर्जरी वाला जो चीज़ किया हुआ है किसी दूसरे का दिखला के दूसरे का लोन लिया हुआ है तो इन भाइयों लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा कि जो जिस पर इन्होंने लोन लिया हुआ है जिस प्रॉपर्टी पे दिखला के जिसने प्रॉपर्टी पेपर दिया हुआ है या तो उनको खाली करें या फिर सभी भाई मिलके या फिर इनको बोल के वो पैसा बैंक को लोन चुकता करें और जो भी प्रॉपर्टी पेपर है वो वापस लिया जाए। पर नहीं तो 420 धारा 420 के तहत में इस पर केस करें। ठीक है, धन्यवाद।